तो भाई कैसे हो, खुश हो ना? खुश रहना बहुत जरूरी है। तो देखो, आज इस वीडियो में बात करने वाले KGF 2 के बहुत बड़े प्लॉट ट्विस्ट के बारे में, जो कि एक मेरी एजम्पशन है, मतलब मेरी एक थ्योरी है। हो सकता है ये फिल्म में आए या फिर ना आए, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। और यहाँ पर टीजर रिलीज हो चुका है KGF 2 का, उसके बाद जो धमाका हुआ इंटरनेट में और इतने सारे मिलियन व्यूज़ यूट्यूब में 12 घंटे में देखे जाने वाले सबसे यहाँ पर व्यूज़ बनने वाली टीजर बन चुका है यहाँ पर, और रॉकी भाई का क्रेज सब जगह पर छाया हुआ है। तो इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था इस ट्विस्ट के ऊपर, पर तब व्यूज़ नहीं आए थे, तो मैंने सोचा कि चलो अभी बना देते हैं, क्योंकि KGF 2 बहुत बस सर्च हो रहा है, तो अब समझ भी रहे होंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर KGF मतलब रॉकी कौन है यहाँ पर? तो यहाँ पर अगर आप रॉकी के पास्ट एक्सपीरियंस को देखोगे, तो यहाँ पर उनके माँ को दिखाया गया है और उनके स्ट्रगल को दिखाया गया है, कि उसकी माँ कितने स्ट्रगल करके उसको बड़ा करती है। उसके बाद रॉकी जो है रॉकी बनता है उसके स्ट्रगल को लेकर, और हमारा KGF पार्ट 1 में हमें बाकी की स्टोरी थोड़ी सी दिखाई गई है, उसकी बात की स्टोरी यहाँ पर दिखाई जाएगी। पर दोस्तों, एक क्वेश्चन बार बार आता है कि रॉकी आया कहाँ से है, जब उसने जन्म लिया तो उसके पिता कौन थे, उसके बारे में कुछ भी नहीं दिखाया। और यहाँ पर टीजर में हमें कंफर्म देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर पास्ट का भी कुछ एक्सपीरियंस हमें फिर से देखने को मिलेगा, जिससे कि उसकी माँ का थोड़ा सा यहाँ पर फिल्म में इमोशनल एंगल रखा गया है। तो यहाँ पर पास्ट का भी थोड़ा यहाँ पर प्लॉट तो हमें दिखाया जाएगा। तो वहाँ पर ट्विस्ट आता है, मुझे लगता है उसके पापा को रिवील करेंगे, मतलब उसका पापा कौन है उसको रिवील करेंगे। और यहाँ पर मेरी थ्योरी है कि हो सकता है यहाँ पर अधीरा ही उसके पापा हो। हाँ दोस्तों, अधीरा जो कि यहाँ पर मेन विलेन का किरदार निभा रहे हैं संजय दत्त, हो सकते हैं उनके ही पापा हो, और उसके बाद कुछ ना कुछ तो हो सकता है, हमें देखने को बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों को पसंद भी आएगा यह थ्योरी, मतलब बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आने वाला है और देखने में मज़ा आने वाला है। पर हो सकता है ये नहीं भी हो, ये सिर्फ मेरी एक एजम्पशन है। तो आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो धमाकेदार एक्शन वाली ये फिल्म आ रही है हमारे थिएटर्स में, कब आएगी मुझे पता नहीं, पर जब आएगी मैं देखने ज़रूर जाऊँगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।